सिखाए। मुझे क्या बोलना है सफेद तुम्हें तुरे सिखाए। बूट पहन के ऊँट पे क्या कर रहा है? सलाम जनाब। वालेकुम सलाम तो ठीक है, लेकिन तू था कहाँ कुरैशी कप्तान? पानी की बाल्टी के जुगाड़ में क्या था जनाब? अच्छा की औलाद, पानी का जुगाड़ क्यों? दो बोतल पानी से पी सकते हैं या धो सकते हैं। रेत से पहुंच के छिल गई है जनाब। अब हमीद को देख लीजिए, रात भर खुद की बदबू से सो नहीं पाता जनाब। जी जी जनाब। चुप जनावर की औलाद, कम से कम हिफाजत तो कर रहा है मुल्क की जाग के। हिफाजत जनाब, आदमी जब हफाजत के लिए कुत्ते पालता है ना, तो उन्हें भी ढंग का खाना देता है। हमें कौन पाल रहा है? पल रहे हैं अल्लाह मालिक। तू यहाँ क्या कर? चलो उधर से। क्या कर रहे तुम्हें? हाँ मेरे जवानो, कहते हैं कि तैरना है तो समुंदर में तैरो, तालाबों में क्या रखा है? और जो इश्क करना है तो मुझसे करो, जनानियों में क्या रखा है? क्या वह नुकता भूल गया? बदन से करो। इश्क करना है तो बदन से करो, जनानियों में क्या रखा है? तुम सबको, मैं भी, मतलब टोटली मैं सबको खुदा ने आज के दिन के लिए पैदा किया है। अब तक 1760 बार पैदा हो चुके हैं जनाब। ओए कुरैशी मियां, एक बार और पैदा हो जाएंगे तो क्या जाएगा हमारा? सारा कुछ नहीं जाएगा जनाब, जो भी जाएगा हमारी माओ का जाएगा। हाँ तो दोस्तों, कल लड़ाई में जंग होने वाला है, कांग्रेचुलेशन। अब फिर से यार, फिर क्या कर रहा है तू? फिर से जंग हो जाएगी तो तेरे घर का क्या जाएगा है? तो जवानो ऐलाने, अरे यार मतलब झंड कर दिया तुमने भाई। जनाब वो तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर इसी तरह जंग चलती रही तो हमारा मुल्क जो है वो तो नक्शे से ही गायब हो जाएगा। वो डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी पर प्रोग्राम आएंगे, Once upon a time there was a Pakistan। वालेकुम अस्सलाम कप्तान साहब। आज खाने में क्या मिला? बस यही पूछ पूछ के जान ले लो हमारी। तुम लोग गोलियां चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी बता दो यार, आज दाल गोश्त में कुछ निकला क्या? हाँ दाल गोश्त में विलायती सिजलर निकले हैं, कटोरा लेके आ जाओ। कोई नहीं तेरे भी दिन आएंगे। एवरी पाकिस्तानी सोल्जर्स इस डे। हाँ तो समझ लो आज ही वो दिन है। मतलब शादी के लिए कोई लड़की मिली गई? कप्तान तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी शादी और लड़की को लेके मजाक ना किया करो। अरे मैं तो दाद दे रहा हूँ तुम्हें, पाँच पाँच बहनों की शादी कराते कराते तुम्हारी उम्र भी पाँचों के बराबर हो गई, फिर भी अल्लाह मेहरबान नहीं हो रहे। बोल लो कप्तान साहब। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन लड़की मिल गई ना शादी के लिए, देख के फट के हाथ में आ जाएंगी आंखें। क्यों डरा रहे हो यार? लड़की ला रहे हो या मिसाइल? पर भाई लाने से पहले अपना लॉन्चर चेक कर लेना, कहीं तुम्हारे लॉन्चरों की तरह फुस ना हो जाए। टेंशन नॉट कप्तान साहब, जिन लॉन्चरों की तुम बात कर रहे हो ना, वो लॉन्चर विलायती थे। ये जो लॉन्चर है 100% मेड इन पाकिस्तान है। एक बार चल गया ना तो फूट गरीब मानेगा। खैर छोड़ो, खान साहब क्या क्या हाल है? अरे भाई ये खाने के वक्त जमाल गोटे का जिक्र कहाँ से कर दिया तुमने? दुकान हो गया उसको तो गए डॉक्टर के पास, आते ही होंगे। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज, वरना टिकट भी नसीब ना होंगे खाने में। खैर ठीक है चलो, अल्लाह हाफिज। प्यारा समझाए आगे भी कुंदों की तरह यहाँ पे बहुत भूख लगी है। शॉपिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? दूरबीन लेके दुश्मन देख रहा है कि जनानियां ताड़ रहा है? जनाब दुश्मन फौजी ड्रिल कर रहे हैं। कायदा बिल, कड़ा बिल भरना बे। ये बहुत खतरनाक है जनाब, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, फाड़ के रख देगा। ओए खतरनाक का पहाड़ा क्या पड़ रहा है कुरैशी? तुझे तेरी चाची की कसम, बताना क्या खतरनाक।
जनाब तारों के नीचे से गुजरना है जनाब। तू भी एग्जाम ले रहा, मैं दोपहर में तारे कहाँ से लाऊं? झंडों में से निकाल ले जनाब। हाँ जी तारे जनाब, तारे वायर। ये तो बड़ा बारीक काम है बेटा मनहूस। ये काम है? क्या काम है बताता हूँ, चल तो सही। इस तार के नीचे से ऐसा क्रॉस करके रेखते हुए उधर को जाना है। जनाब ये तार कुछ ज्यादा नीचे तो नहीं है? अरे तू घुस तो सही पहले मनुष्य की औलाद। तू झुक झुक तू उठ नीचे, घर से नीचे बदन पे मरने वालों, तुम्हारा कोई नहीं है साथी। ऐसे ही रेखते रहे तो एक दिन दिल्ली में छोले खाएंगे हम पाकिस्तानी। शेरो मेरे जवानों, जनाब जितनी चादर होती है उतने पैर फैलवाइए जनाब, रुमाल से काम चलाए। यहाँ बरक बरक में हमारा ये पैगाम लिख देना। हमारे पास अगर कलम है तो उनकी कफन पे पाकिस्तान लिख देना। वेरी गुड। ओ यार ये हमेशा मरने और शहादत वाली शेर की सुनाता है। अरे भाई खड़े हो जाओ। कहो कैसी रही? ओ गुरु, इंडिया को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि हम तुम्हारे जरिए उन पर अटैक करवाना चाहते हैं। पर टेंशन मत लो, हमने प्लान चेंज कर दिया है, अब न्यूक्लियर बम कल सुबह तक पहुंच जाएगा गुरु। खटाक ओपो ताली। अरे जनरल साहब, अरे जनरल साहब, मियां जनरल साहब खत्म नहीं करो, बाहर आओ। चीनी पागल हो गया? अब कोई काम तो आराम से करने दो, अभी कहीं नहीं करना मैं। मतलब आज ही? हाँ गुरु खटाक। गुरु जाने वो कैसे अरे वो बोल रहा है आज ही अटैक करना है हमें। ओए अब क्या पकाने से ही ऐलान जंग कर दूं? अभी नहीं आ सकता मैं। तो लाहौल वाला कुवत और कोशिश तो कर रहा हूँ यार। अरे इनका क्या मालूम, बॉम्ब अभी फोड़ दे। व्हाट इज दिस? समझिए कर दिया ऐलान जंग। अरे सुल्तान राज, मैं हूं कमांडर खान। तो किसी ने अपनी साइड फोड़ दिया जनाब। मुझे तो ऐसा लगता है जनाब कि बिना गोश्त की दाल खा खा के किसी के दिमाग की आवाज उनको जुला रख गए। बहादुर बनाया जनाब, अपनी तरफ बम फोड़ दिया। अपनी तरफ फोड़ दिया? पहले सामने वाले से बात कर लेना, अगर उन्होंने बम फोड़ दिया तो हम तो अपना गोश्त उतर रहे हैं। ठीक है। अरे कप्तान राज, अबे पहले खांस ले और आराम से खांस ले, और खासे खासे अपनी अंतरिया बाहर मत निकाल देना। बदुआ गया। अरे अंतरिया तो मैं चाहिए निकालूंगा, सभी को जनाब कंट्रोल। अगर बोलने से तेरे दिल की तमन्ना पूरी होती है तो बोल लिया कर, जनाब कंट्रोल, तेरा मन हल्का हो जाएगा। तू ही बात कर ले, मेरा नाम मत बोल। और तुझे कहा है ना कब सिरप पी के आया कर। बोल पी ले, पी के आए हैं। ओहो कुरैशी, ओ कुरैशी देसी ठर्रे की नहीं सिरप की बात कर रहा हूँ। अबे पादरी यार कुछ भी बोल रहे। या तो तेरा खान इतना बूढ़ा हो गया कि सिरप भी असर नहीं कर रहा। ए बूढ़ा हुआ तेरा बाप। अभी तो मैं जवान हूँ और सुन ले, मैं जयपुर में जो है ब्रेकफास्ट करूँगा, जयपुर में लंच और दिल्ली में जाकर डिनर करूँगा और पटना में आइसक्रीम खाऊंगा। बोले पटना नहीं जाना चाहिए जनाब, मैंने सुना है पटना वाले ऐसे होते हैं, वो लोग जहाँ जाते हैं उसे पटना बना देते हैं जनाब। पटना कैंसिल। मेरा नाम मत बोल दिया। हाँ भाई वो पटना का प्रोग्राम आइसक्रीम का कैंसिल, दिल्ली तक की बात ठीक है, वैसे भी यहाँ का खाना खा खा के हमारा पेट खराब हो चुका है। तुमको बता रहा है? अरे तुम तो बस मेनू बताओ, मेनू मेनू। अबे सानिया की बारात में आया क्या? मेनू छोड़, ये गोली खाओ। अब तक तो तू खांसी की गोली की बात कर रहा था, ये गोली कहां से आ गई? ये मत सोचना कि निशाना चूक गया, वैसे भी हम बीमारों पर वार नहीं करते, इसलिए खान के कान के पास से गोली मार दी। अब भी मान जा, अगली बार निशाना चूकेगा नहीं। इनका सही है, एक एक सेकंड में दर्जनों फायर कर रहे हैं और ये है और एक हमें ये सब हाँ, क्योंकि गोलियां भी इनके मिलती हैं। यहाँ से मौका मिल नहीं रहा जनाब,
एक काम करते हैं, दूसरी लोकेशन पर चलते हैं। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही जनाब, ये इतनी फायर कर कैसे रहे हैं? हाँ हम लीजिए और पूरे देश को दिखाइएगा, एक एक हिंदुस्तानी सोल्जर उनके दस दस के बराबर है। अरे गोलियां चढ़ा रहे हैं कि फेंक रहे हैं? लग रहे बुरे हाथ में देखे क्या है देश जी? तो भाई हम क्या करें? मैं क्या सी मेड इन चाइना हथियार में ले डूबेंगे। अब चलवाइए अपने भोटों से। मैं तो चला लूंगा लेकिन मेरे को कहना कोई दिखने वाला मिले। तेरी भुट्टो ये बम है, इस तरह छोड़ना है। जल्दी डाल अभी इसको ना इसमें डालो, उसका रुख उसका करो, छोड़ दो। फायरिंग चालू रखना, देख रहा है एक भी आगे बढ़ रहा है। सर हम तो बराबर फायरिंग कर रहे हैं, यही अपने बिलों में दिपक कर बैठे हैं। अच्छा ये बात है, आइए मैडम आप लोग एक्सपेंस मिलाते हैं। एक्सपेंस भाई सर, यस सर। ये पाकिस्तानी बंकरों में छिपे हैं, इन्हें ट्रेस कैसे किया जाए? सर चिकन मंगाइए। चिकन? अरे खा चुका ना तू? अरे सर ये देखिए ट्रैकर जी, पाकिस्तानी फौजी अपने बंकरों से ऐसे निकल निकल के आएंगे ना और टारगेट लेके ऐसा उड़ाएंगे ना, आप देखिए तो। अच्छा सुल्ला जी, यस सर चिकन ले आओ मगर जिंदा। ओके अब देखिए ट्रैकर का कमाल। अभी देखते जाइए सर कैसे निकल कर आएंगे अपने बंकरों से सारे के सारे बोली। ये देखिए ये निकला एक पाकिस्तानी। ये रेड अपनी मुर्गियाँ और ग्रीन पाकिस्तानी सोल्जर। आने तो लगे अल्लाह तुझे हमारी आज सुनी ली। सर काफी सारे आ गए सर, चला देना चाहिए। नहीं रुको अभी रुको, हमने बली में खाई थी। और भिखारियों के नाश लो, छोड़ो उनको और बंद करो पुलिस को। जनाब वो क्या बेचारा बकरी? जनाब जनाब क्या हो रहा? वो कहाँ बकरी? जनाब खोते हो हिंदुस्तान की मुर्गियाँ हैं, दुश्मन की चाल है कोई? पाकिस्तानी मुर्गियाँ हैं, देखना तामीज से बैठी है बेटा घर में। अकल के मोतिया बिंद है सब ये तावीज नहीं, गले में टांस बिठाएंगे। मर जाएगा मत जा। अरे करो, सर जाने लगे चलवाई ना सर। नहीं रुक जा, अरे सर देखिए ना निकल जाएंगे सब। सर रुक जाओ, अरे सर देखिए निकल जाएंगे सर। रुक जाओ मरोगे सबके साथ। सर देखिए निकल गए सारे निकल गए सर। भूखा मैं भी हूँ, मेरा भी मन करता है ना दूरी खाने का, लेकिन दुश्मन चार